कानपुर के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले माँ गंगा की आंचल में स्थित जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों को वर्षों की आपकी इस तमन्ना को प्रारंभ कर होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है और आज से लगभग 25 वर्ष पहले तक देश के जो 10 बड़े महानगर थे उनमें से कानपुर की गिनती थी, लेकिन कानपुर के साथ विकास के नए को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों की जो पहल होनी चाहिए थी, 15 वर्षों तक इतना उपेक्षित कानपुर को छोड़ दिया गया कि कानपुर आज देश के उन 10 शहरों से दूर जा चुका है। और जो योजनाएं भी बनती थी ऐसी बनती थी जैसे भी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहां पर बताया भी कि बिना अप्रूवल के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दो, उस समय के लिए वावही रूप लो, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट की कभी चर्चा नहीं करना, न पैसा न उसमें किसी प्रकार की कोई कहीं से कोई अप्रूवल। और ये कार्य केवल कानपुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ होते और उसमें भी किस रूप में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर लूटसोट होती थी, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर और उसे हम वाराणसी को भी जोड़ रहे हैं, बलिया से भी जोड़ने का कार्य इसके साथ ही करने जा रहे हैं। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास दिसंबर 2016 में हो चुका था, जब वही 2017 में मार्च में सरकार बनने के बाद मई में मैं इन सब कार्यों की समीक्षा कर रहा था तो मैंने पूछा भी क्या प्रोग्रेस है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, तो मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों भाई, 5 वर्षों 5 महीनों में 6 महीनों में कुछ भी आगे कार्य नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कार्य हो कहां जब जमीन ही नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं ली गई। और आश्चर्य करेंगे कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए बिडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके इसके टेंडर भी हो गए, आवंटन भी हो गया। तो मैंने उन पार्टियों को बुलाया, मैंने कहा भाई आपका आवंटन हो गया लेकिन जमीन नहीं, आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर आप 6 महीने 1 साल के बाद अपने रिवाइज एस्टिमेट के साथ मनमाना एस्टिमेट के साथ आएंगे और प्रदेश के टैक्स पेयर पर प्रदेश की गरीब जनता पर तुम बोझा बनोगे, इसलिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं और फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, मैंने उस समय उसको कैंसिल किया, फिर से मैंने जमीन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जब हम लोगों ने 96% जमीन ले ली, फिर बिडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की, टेंडर आवंटित किए, मुझे आश्चर्य हुआ जब टेंडर हुए तो वही 8 पार्टियां उसमें आई थी और कोई नहीं था। टेंडर की कॉस्ट वही थी जो पहले थी, तो मैंने कहा 1.5 वर्ष के बाद जब जून 2018 में हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो मैं सोचता था कि हो सकता है कॉस्ट कुछ बड़ी होगी, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, मैंने कभी उसको कम होना चाहिए था, तो मैंने उसको फिर एक बार कैंसिल कर दिया। मैंने कहा भैया हम लोग टेक्निकल और फाइनेंशियल भी 1 साल देंगे, और जब टेक्निकल और फाइनेंशियल भी 1 साल हम लोगों ने ली
क्या संपन्न हुई तो आप आश्चर्य करेंगे कि दिसंबर 2016 में जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15,200 करोड़ रुपए थी, जून 2018 में उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मात्र 11,800 करोड़ के लिए आज रांचर एक्सप्रेस वे बन रहा है। 3,500 करोड़ रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? कौन लोग थे जो उत्तर प्रदेश की जनता की जेब पर डकैती डालने का कार्य कर रहे थे? ये वही लोग हैं जो लोग नारे अच्छा दे देते हैं लेकिन नारों की आड़ में इस प्रकार से रूढ़ घुसोट मचाते हैं। उसका उदाहरण इस प्रकार के अनेक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लंबित पड़े हुए हैं, उस रूप में देख सकते हैं। एक भी योजना प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में लागू किए गए योजनाओं पर लागू न होने देना। आवास योजना में माननीय हरदीप सिंह पुरी जी बता रहे थे कि पहले 17 महीनों में जब प्रदेश के अंदर दूसरी सरकार थी और केंद्र में मोदी जी ने इस बात का आह्वान किया था कि 2022 तक हर परिवार को एक एक आवास देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई, उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को आवास नहीं मिला था। 18,000 की केवल उन्होंने सूची बनाई, वह भी देने की मंशा नहीं थी। और अगले 17 महीने में हम लोग 12,45,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अगर हम मिलाकर के देखेंगे इस समय उत्तर प्रदेश सरकार 27,00,000 परिवारों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्ध करा चुकी है। क्योंकि यहां पर ये जो कार्यक्रम है ये मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ, हमने विकास की योजना को किसी व्यक्ति किसी परिवार किसी जाति किसी मत और किसी मजहब में बांट करके नहीं देखा। ये विकास की योजना है प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का एक आधार बने। और जिससे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हम आगामी 2 महीने के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को प्रयागराज से जोड़ते हुए कानपुर के बगल से होते हुए जाएगा एक्सप्रेस वे, इस कार्य को भी सरकार ने लिया है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, पीपीआर बनने का वर्क हो चुकी है। मेट्रो मार्च 17 में जब हम लोग आए थे एक भी शहर में मेट्रो की सुविधा नहीं थी, आज प्रदेश के अंदर 4 सिटी ऐसी हैं जहां पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इससे बेहतरीन दूसरा नहीं हो सकता है। मेट्रो आज की सवारी तो है ही लेकिन ये हमें आगामी 100 वर्षों का एक विजन देता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 100 वर्ष के उस कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेट्रो की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का और उत्तर प्रदेश कैडर के ही वरिष्ठ अधिकारी हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी का कि जिन्होंने रुचि लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पहले उन 4 सिटी के अंदर मेट्रो की सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की और इस समय 2 सिटी कानपुर और आगरा के लिए सभी हर प्रकार के अप्रूवल उपलब्ध करा के केवल कार्य प्रारंभ होने हैं। और उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के अपने पिछले विजिट में आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया है। आज इस मेट्रो के कार्य का शुभारंभ करने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ हम कर सके और जनता के सामने वास्तविक स्थिति को रख सके कि वास्तव में वे भी लोग थे जो शिलान्यास पर विश्वास करते थे। परियोजना पूरी हो न हो इनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी
इसमें कोई रुचि नहीं थी। एक वो समय था और एक आज जब हम लोगों ने वहां जाकर के देखा तो नीलमा जी और भोले जी कह रहे थे कि हम कोई कह रहा था हमारा संसदीय क्षेत्र है, कोई कहता हमारा विधानसभा है और यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी। कितनी पीड़ा होती है इन जनप्रतिनिधियों के मन में अपने जनता के समस्याओं को लेकर के, लेकिन उन समस्याओं का समय रूप से समाधान भी हो, ये जो प्रयास होने चाहिए। और प्रयास जिस तत्परता के साथ पिछली सरकारों में होनी चाहिए थी वह प्रयास ईमानदारी पूर्वक नहीं हो पाए और उसका परिणाम था कि प्रोजेक्ट भटके रहे थे, भटके रहे थे। आज ये सभी स्ट्रीम लाइन के साथ जुड़े हैं। आज हमने यहाँ के कार्य का शुभारंभ किया, ये शिलान्यास नहीं कार्य का शुभारंभ है। और कार्य का शुभारंभ के साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कार्य का कब तक, कब कार्य को, पहले चरण के कार्य को कब तक हमें पूरा करना है इसकी एक डेडलाइन भी यहाँ पर घोषित कर दी है कि उस समय तक कार्य पूरा होना है। लखनऊ में 3 साल लगे, यहाँ पर 2 साल के अंदर हमें इस कार्य को पूरा कर देना है। 2 साल के अंदर कानपुर के अंदर एक रूप पर मेट्रो की का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा, लोगों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। देश के इस प्रदेश के सबसे बड़े महानगर की जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता मेट्रो और एयरपोर्ट के माध्यम से जो आगे बढ़ी है, यहाँ के औद्योगिक विकास को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया का वो हिस्सा है। अब कानपुर बंद पड़े उद्योगों के लिए नहीं, आने वाले समय में कानपुर फिर से बंद पड़े उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए इन 2 योजनाओं के माध्यम से जाना जाएगा। और इस दिशा से आज हम सब आपका आह्वान करने के लिए आए। मैं कानपुर वासियों को बधाई देता हूं, प्रदेश वासियों को भी बधाई देता हूं। एक बड़ा कार्य 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक प्रोजेक्ट आज कानपुर वासियों को यहाँ पर इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमारी सरकार को प्राप्त होगा। इससे कानपुर की पहचान माँ गंगा से भी, और अक्सर इस बारे में हम खुद लोग पूछते थे जब हम कानपुर की बात करते थे, लोग कहते थे कि कानपुर में तो गंगा जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और भाइयों बहनों, अब हम इस बात को कह सकते हैं कि कानपुर में माँ गंगा को प्रदूषण की संभावना एकदम समाप्ति की ओर है, अंतिम रूप से प्रदूषण दम तोड़ रहा है और माँ गंगा की अग्रता और निर्मलता बनाने के लिए अब कानपुर भी अन्य नगरों की तरह अपना सहयोग देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। ये विकास स्मार्ट सिटी के रूप में इसका विकास, कानपुर को कानपुर की पहचान देने की आवश्यकता है। और हमारे माननीय सांसद ना श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, श्री सत्यदेव पचौरी जी, हमारे माननीय विधायक गण जिस तत्परता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में रुचि ले रहे हैं वो सचमुच बहुत अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना बोले अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान देना, उसे आगे बढ़ा देना। आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड कानपुर में स्थापित होना है। पिछले दिनों जब हम लोग आए थे यहाँ पर विगत वर्ष श्री सतीश महाना जी ने यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन से संबंधित एक समिति यहां पर की थी और उस समय भी हम लोग आए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही जोड़ रहे हैं और बहुत संभावनाएं हैं कानपुर में। उन संभावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए आज मेट्रो उसकी एक आधारशिला बनेगी। दूसरा जो अभी बात यहां पर माननीय मंत्री जी कर रहे थे एयर कनेक्टिविटी में, आप अनुमान करिए 1947 से और 2017 तक 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर केवल 2 शहर वायु सेवा से जुड़ पाए, लखनऊ और वाराणसी। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी यहां पर हैं। आज हमारे 7 एयरपोर्ट हैं जो उत्तर प्रदेश
परदेश के अंदर है तो वायु सेवा से जुड़ चुके हैं। ज्यादातर हम कार्य कर रहे हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा के पास जेवर में उत्तर प्रदेश सरकार कराने जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से केंद्रीय मंत्री से ही चर्चा कर रहा था कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, बड़ा सुखद फैसला है, लेकिन हमने अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पहले ही कर दी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।